जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम निपुण भारत कार्यक्रम से संबंधित अधिकतर पूछे जाने वाले 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन जो लिया है वह वन लाइनर के फॉर्म में लिया है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि भारत निपुण यानी कि निपुण भारत योजना को कब लागू किया गया। तो दोस्तों, निपुण भारत योजना को 5 जुलाई 2021 को लागू किया गया था। दोस्तों, यह वीडियो सीटेट परीक्षा के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इससे जुड़े हुए प्रश्न सीटेट परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो कृपया करके दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भारत निपुण योजना को किसने लागू किया। तो दोस्तों, भारत निपुण योजना को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत निपुण योजना का लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों, भारत निपुण योजना का जो लक्ष्य है वो है कक्षा 3 यानी कि ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, भारत निपुण योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत निपुण योजना किस क्षेत्र के लिए लागू की गई है। दोस्तों, भारत निपुण योजना जो है शिक्षा क्षेत्र के लिए लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निपुण योजना का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है। तो दोस्तों, भारत निपुण योजना का जो लक्ष्य है यह 2026 से 2027 तक रखा गया है। भारत निपुण योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया गया है। तो भारत निपुण योजना का संचालन निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपुण का पूरा नाम क्या है, NIPUN। तो दोस्तों, इसका पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निपुण योजना का कार्यक्रम कितने स्तर तक किया जाएगा। तो दोस्तों, निपुण योजना का कार्यक्रम 5 स्तर तक किया जाएगा। निपुण योजना के अंतर्गत कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, कौन कौन से स्तर हैं। तो राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल। निपुण योजना के जो स्तर हैं दोस्तों वो हैं राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निपुण योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी। तो भारत निपुण योजना की निगरानी नोडल एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी। स्कूल मॉडल कितने महीने तक रखा गया है। तो दोस्तों, स्कूल मॉडल जो है 3 महीने के लिए रखा गया है। स्कूल मॉडल के द्वारा किन्हें मदद मिलेगी। दोस्तों, स्कूल मॉडल के द्वारा बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद मिलेगी। बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा। तो दोस्तों, बच्चों का आकलन विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके किया जाएगा। भारत निपुण योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों, इसको 17 भागों में विभाजित किया गया है। भारत निपुण योजना का क्या लाभ होगा। तो शिक्षा में गुणवत्ता की सुधार होगी। शिक्षा की गुणवत्ता में क्या होगा, सुधार होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, भारत निपुण योजना की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसकी मुख्य विशेषता है 3 से 9 वर्ष के बच्चों की सीखने की जरूरत को पूरी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत निपुण योजना को दिशा निर्देश करने के लिए किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, भागीदार और विशेषज्ञों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अब दोस्तों, हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि भारत निपुण योजना को कब लागू किया गया। 5 जुलाई 2022, 5 जुलाई 2021, 15 जून 2022, 10 मई 2021। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ यानी कि 5 जुलाई 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत निपुण योजना को किसने लागू किया। तो दोस्तों, हमने जैसा बताया था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत निपुण योजना का लक्ष्य क्या है। तो
दोस्तों ये है ग्रेड तीन के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य, यानी कि आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत निपुण योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बड़ी ई हो जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत निपुण योजना किस क्षेत्र के लिए लागू की गई है? तो दोस्तों सेना क्षेत्र के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए, शिक्षा क्षेत्र के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए। दोस्तों यह शिक्षा क्षेत्र के लिए लागू की गई है। भारत निपुण योजना का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है? दोस्तों 2022-2023, 2023-2024, 2026-2027, 2026-2028। तो दोस्तों इसका जो लक्ष्य रखा गया है वह 2026-2027 तक रखा गया है। भारत निपुण योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जाएगा? शिक्षा मंत्रालय, पर्यावरण विभाग, संसाधन मंत्रालय, निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग। दोस्तों निपुण का पूरा नाम क्या है? तो देख लीजिए ऑप्शन में आप लोग, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर अ ही सही होगा, क्योंकि दोस्तों निपुण का पूरा नाम होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। बाकी के ऑप्शन दोस्तों गलत हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निपुण योजना का कार्यान्वयन कितने स्तर पर किया जाएगा? तो दोस्तों 6 स्तर पर, 3 स्तर पर, 5 स्तर पर, 2 स्तर पर। तो दोस्तों यह 5 स्तर पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निपुण योजना के स्तर कौन कौन से हैं? तो दोस्तों जिसे इसका मैंने बताया था कि ये है आपका राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल। तो क्या है दोस्तों ये ऑप्शन सही है? तो बल्कि इसका जो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा ये होगा राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल। सॉरी दोस्तों इसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यही होगा जो कि मैंने बताया था, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, भारत निपुण योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों यह की जाएगी नोडल एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा गया है? तो दोस्तों स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा गया है? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। दोस्तों यह 3 महीने तक रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है आ, यानी कि 3 महीना तक। कब तक है? 3 महीना तक है, 3 स्तर तक। सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 था 3 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम कि स्कूल मॉडल द्वारा किन्हें मदद मिलेगी? इंटरमीडिएट के छात्रों को, स्नातक के छात्रों को, बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन छोटी ही हो जाएगी, यानी कि बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद मिलेगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है कि बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा? केवल शिक्षक के द्वारा, मुख्य अध्यापक के द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा, विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके। दोस्तों इस क्वेश्चन का प्रत्येक का आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से अपना आंसर गेस करके वहां पे आप आंसर को मैच करा लीजिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन क्या था कि आकलन किस प्रकार किया जाएगा? तो विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, निपुण योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो दोस्तों इसको 17 भागों में विभाजित किया गया है। भारत निपुण योजना को क्यों शुरू किया गया? दोस्तों यह देख लीजिए, 8 से 12 वर्ष के 25% बच्चों में संज्ञानात्मक व संख्यात्मक कौशल की कमी,
चार से आठ वर्ष के 25% बच्चों में संज्ञानात्मक और संख्यात्मक कौशल की कमी। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 4 से 8 वर्ष के 25% बच्चों में संज्ञानात्मक और संख्यात्मक कौशल की कमी। इसी को दोस्तों इसी कारण इसको शुरू किया गया है। भारत निपुण योजना का क्या लाभ होगा? तो दोस्तों भारत निपुण योजना का क्या लाभ होगा, बच्चों के पोषण में सुधार, बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, बच्चों में सफाई के प्रति जागरूकता में। दोस्तों इसका हो जाएगा शिक्षा में गुणवत्ता की सुधार, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत निपुण योजना की मुख्य विशेषता क्या है? तो दोस्तों यह 3 से 9 वर्ष के बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करना। भारत निपुण योजना को दिशा निर्देश करने के लिए किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? केवल अभिभावकों के साथ परामर्श, भागीदारी और विशेषज्ञों के साथ परामर्श, केवल कक्षा अध्यापक, केवल मुख्याध्यापक। तो दोस्तों भागीदारी और विशेषज्ञों के साथ परामर्श। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों देखते हैं हम, भारत निपुण योजना को लागू करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? जिलाधिकारी, तहसीलदार, अभिभावकों और शिक्षकों। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बड़ी, यानी कि शिक्षकों। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आप भी अपने आंसर को चेक करिएगा, गेस करिएगा, और इसका मैं सारा आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।